केजरीवाल से ज़्यादा बड़ा भैरूपिया महाठक को है ही नहीं साहब। दिल्ली में भव्य मंदिर बनाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, और आप हज हाउस बनाओगे मौलानाओं के लिए? रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने के लिए सरकारी पैसा बांटता है, 10,000 रुपये देता है रोहिंग्यन, कहता हूँ रोहिंग्यन मुसलमानों को 10,000 रुपये दे रहे हैं, तंबू लगा रहे हैं, बम्बू लगा रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये सब? जब भी कभी पॉल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है सर्दियों में विशेषकर, तब अरविंद केजरीवाल हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। देश में सबसे पहला एंटी स्मॉग टावर अरविंद केजरीवाल ने लगाया, खरबों रुपए के विज्ञापन पूरे देश भर में बांटे गए, हर अमीर से कन्याकुमारी तक आप इसके विज्ञापन प्रचार विज्ञापन जीवी के नज़र आए होंगे आपको। जो कहते हो कि पराली के जलने से पोल्यूशन आता है, तो पोल्यूशन कोई कनॉट प्लेस में आकर के पैदा थोड़ी होता है, वहीं से निकलता है या आसमान से आएगा सीधा कनॉट प्लेस में गिर जाएगा। केजरीवाल सरकार ने 7 साल से केवल भाषण, झूठा प्रचार और लोगों को भ्रमित करने का ही काम किया है। कहते हैं दिवाली में पटाखा जलाने से सबसे अधिक पोल्यूशन होता है, उसके बाद कहेंगे कि पराली जलाने से होता है, हिंदुओं को भी टारगेट करेंगे, किसानों को भी अपमानित करेंगे। विश्व स्तरीय कोई भी काम आजकल वो दिल्ली के स्तर पे नहीं करते हैं। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बना कि पानी ने नाली में जाने की जगह लोगों के घरों में जाना शुरू कर दिया। क्या विश्व में इसी प्रकार का स्तर है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जब दिल्ली पॉल्यूशन जैसी गंभीर समस्या से जूझता है, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठीकरा फोड़ देते हैं पराली पर। जब दिल्ली में बरसात के मौसम में सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से पानी से भर जाती हैं, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठीकरा फोड़ देते हैं मौसम पर। जब दिल्ली में कोई भी घटना होती है, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठीकरा फोड़ देते हैं बीजेपी पर। समझ नहीं आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खाने की दौड़ कुछ और है और दिखाने कुछ और। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम न्यू दिल्ली में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये टावर देख सकते हैं, ये एंटी स्मॉग टावर है जो पूरी तरीके से बन के तैयार है, लेकिन अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसको मेंटेनेंस पे रखा गया है, यानी कि अभी तक काम जो है कहीं ना कहीं वो चल रहा है, लेकिन अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है। अगर हम बात करें अकेले दिल्ली की, तो दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, हर साल साल दर साल बढ़ती जा रही है। कि पूरे टावर जो है वो बनकर तैयार है, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो गया है इसको चालू नहीं किया गया है। आपको बता दें, 1 महीने पहले ही करोड़ों की लागत में ये एंटी स्मॉग टावर जो है वो बनाया गया था। खुद अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बाद भी इसे चलाया नहीं गया है। तो सवाल आखिर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर क्या इसकी समस्या को नहीं देखते हैं? इसी मुद्दे पर नवीन कुमार जो है दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता, उनसे भी हमने बातचीत करनी चाहिए। देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 272 वार्डों के अंदर हर जगह पर एक एंटी स्मॉग टावर लगाने की बात की थी जी, ताकि दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात मिल सके। लेकिन जब भी कभी पोल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है सर्दियों में विशेषकर, तब अरविंद केजरीवाल हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं जी, उनको बदनाम करते हैं, सरकारों को, वहाँ के लोगों को, किसानों को, गरीबों को, उनको जम करके गालियाँ देते हैं और कहते हैं उनके कारण हुआ है। इससे बचने के लिए जब दिल्ली में सांसद गौतम गंभीर ने 3 जगह उन्होंने एंटी स्मॉग टावर अपनी तरफ से बिना किसी सरकारी मदद के एनजीओ की मदद से उस एंटी स्मॉग टावर लगाए और उस एरिया के अंदर पोल्यूशन कम करना हुआ, तब इन्होंने 20 करोड़ रुपए के लागत से कनॉट प्लेस के सबसे महंगे इलाके के अंदर, जहाँ पर ट्रैफिक पार्क था, बच्चे ट्रैफिक के नियमों कानूनों को सीखने के लिए आया करते थे फ्री में, उस जगह पर इन्होंने एंटी स्मॉग टावर लगाया और जो उसका उद्घाटन किया इन्होंने 23 अगस्त को जी। वो इसलिए किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई जगह एंटी स्मॉग टावर बना रही है, लगा रही है केंद्र सरकार, तो उससे पहले इनको लगा कि मैं एक पब्लिसिटी कर पाऊँगा, इवेंट करूँगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से एंटी स्मॉग टावर का स्थापित किया गया, करोड़ों रुपए की जगह पे किया गया, करोड़ों रुपया उसके इवेंट पर खर्च किया गया, उसके लिए बड़ा भारी इवेंट किया गया कि विश्व स्तरीय देश में सबसे पहला एंटी स्मॉग टावर अरविंद केजरीवाल ने लगाया, खरबों रुपए के विज्ञापन पूरे देश भर में बांटे गए, हर अखबार में दिल्ली में एंटी स्मॉग टावर लगा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप इसके विज्ञापन प्रचार विज्ञापन जीवी के नज़र आए होंगे आपको, वो सब इन्होंने दिए हैं। और उसके बाद मैं जब 23 सितंबर को गया था, तब तक वो चालू नहीं था, उसके वॉल नहीं आए थे, उसके अंदर और इक्विपमेंट नहीं आए थे, पूछा गया कब आएंगे, बोले साहब अभी ट्रायल रन चल रहा है। अच्छा। जब वो वीडियो दिखाया तो इस प्रचार मंत्री ने, विज्ञापन जीवी ने,
विज्ञापन के माध्यम से, जो इसके विज्ञापन के इशारे पर चांदी के जूते के आगे नाचने वाले कुछ मीडिया संस्थानों के लोगों को और कुछ दूसरे लोगों को बुला करके वहाँ पर दिखाया, और उसका एक पार्ट ब्लोर 20-22 ब्लोर हैं, एक ब्लोर चला करके दिखाया, बोला ट्रायल रन इज़ कम्प्लीट, हम जल्दी इसको चालू करेंगे। कब करेंगे भैया चालू? और अगर आपने एंटी स्मोक टावर लगाना ही था तो आप जो कहते हो कि पराली के जलने से पोल्यूशन आता है, तो पोल्यूशन कोई कनॉट प्लेस में आकर के पैदा थोड़ी होता है, वहीं से निकलता है या आसमान से आएगा सीधा कनॉट प्लेस में गिर जाएगा। वो पोल्यूशन आएगा दिल्ली की सीमाओं के पास से होते हुए, बॉर्डर से, जहाँ कि यहाँ ओपन एरिया है, जहाँ पर खेत ज़्यादा है, तो सबसे पहले वहीं लगाना चाहिए, दिल्ली तक तो आने की नौबत ही ना है। और दिल्ली में अगर पोल्यूशन अगर ज़्यादा है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है, नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा है, दूसरा पोल्यूशन ज़्यादा है, उसको रोकने का मापदंड तो आपको करना चाहिए था 7 साल से। केजरीवाल सरकार ने किया क्या है? केजरीवाल सरकार ने 7 साल से केवल भाषण, झूठा प्रचार और लोगों को भ्रमित करने का ही काम किया है। सर, पराली पे हमेशा केजरीवाल सरकार ठीकरा फोड़ती है, ये कितना तक, कहाँ तक सही है? क्योंकि जब भी पॉल्यूशन, एक वक्त था जब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तब भी अरविंद केजरीवाल का यही कहना था कि पराली की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। पराली से पॉल्यूशन होता है, सही है, लेकिन पराली से पहले से अब पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक तरीके आ गए हैं, वो किसान अपनाने लगा है, तो जो पहले पॉल्यूशन हुआ करता था उससे कम होता है। लेकिन अब इन्होंने इस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं, ये कहते हैं दिवाली में पटाखा जलाने से सबसे अधिक पॉल्यूशन होता है, उसके बाद कहेंगे कि पराली जलाने से होता है। हिंदू को भी टारगेट करेंगे, किसानों को भी अपमानित करेंगे। केजरीवाल सरकार यही कर रही है, अपने आप को जिसका हमदर्द बताती है, जिसको खैर खवा जिसका बनने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं लोग। तो इसलिए ये इनकी सोची समझी साजिश है, एक पूरे विश्व के अंदर लोगों को बदनाम करने के लिए, गरीबों को और भारत की छवि को ख़राब करने के लिए। केजरीवाल काम करना शुरू करते तो समस्या नहीं होती, केजरीवाल काम करने की जगह केवल जो है प्रचार में ही काम करते और कुछ नहीं करते। सर, आज हम दिल्ली की हालत देखें तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, सड़कों पर अगर बारिश हो जाती है तो मतलब नदियाँ बहने लगती हैं, इस पर केजरीवाल सरकार काम करती हुई नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी सरकार यही कहती है कि हम तो काम कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल, कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने यही कहा कि हम तो हर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो करते और करते क्या है, वो काम तो करें कभी, अगर उन्होंने काम किया तो समस्या नहीं होती ना। विश्व स्तरीय कोई भी काम आजकल वो दिल्ली के स्तर पे नहीं करते हैं, केजरीवाल जब भी कोई काम करते कहते हैं विश्व स्तरीय जो है ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। हम कहाँ बना, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बना कि पानी ने नाली में जाने की जगह लोगों के घरों में जाना शुरू कर दिया। क्या विश्व में इसी प्रकार का स्तर है क्या? पॉल्यूशन पानी का यमुना का हटाने के लिए यमुना में केवल मात्र 38 नाले गिरते हैं, 38, जिनको बंद करना है, जिनके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, किसी एक पर लगाया क्या? कोविड काल में 205 करोड़ रुपया केवल एक नाले पर, डॉक्टर बेंस जो जामा मस्जिद दरियागंज से होते हुए यमुना में आकर के ITO के पास गिरता है, उस पर खर्च कर दिए और वो पहले से ज़्यादा जहरीला हो गया। किस प्रकार का काम कर रही हैं? दिल्ली में वाटर लेवल ख़त्म हो गया, जिसमें पानी की कमी थी और गर्मी थी, तब इनके मंत्री, इनके नेता जाकर के विज्ञापन जीवी लोगों को ले जा करके दिखाया करते थे, देखिए साहब यमुना के अंदर हरियाणा से पानी आ रहा है, यमुना सूख रही है, अब यमुना ओवरफ्लो हो रही है, उसको पानी को रोकने की व्यवस्था किसने करी है, उसको संसाधन करने की व्यवस्था किसने करी है? अब क्यों नहीं जा करके दिखाते पानी ओवरफ्लो हो रहा है तभी लोगों को पीने के लिए नहीं दे पा रहे? केजरीवाल से ज़्यादा बड़ा भैरूपिया महाठक को है ही नहीं साहब। सर, अरविंद केजरीवाल की बात करें, अमतुल्ला खान की बात करें, उनसे ये सवाल भी पूछा गया था कि हज हाउस क्यों बनवाया जा रहा है, तो उन्होंने यही कहा था कि मुस्लिमों की समस्या दूर होगी, उन्हें यहीं पर हज हाउस हज करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उनको पानी की समस्या नहीं दिखाई देती, उनको सड़क की समस्या नहीं दिखाई देती, उनको बिजली की समस्या नहीं दिखाई देती। पहली बात, ये जो क्या अमानतुल्ला क्या नाम है इसका, इस व्यक्ति से को पूछे ना कि क्या हज यहीं पर हो जाएगा क्या? अगर वो कह रहे हज यहाँ हो जाएगा तो हज तो मक्का मदीना में होगा, और यहाँ पे हज हाउस की आवश्यकता है। जब मैंने उसका वीडियो बनाया था और उसके बाद सब दिल्ली के लोगों ने जागृत होकर के उसके खिलाफ आंदोलन किया, तब यही बात पूछी गई थी कि दिल्ली में आपके पास ऑक्सीजन लगाने के लिए, जनरेशन प्लांट लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, आप कहते हो हॉस्पिटल बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, दिल्ली में आपको कोई मंदिर बनाने के लिए, आप उत्तराखंड को आध्यात्मिक की नगरी बनाना चाहते हो, दिल्ली में भव्य मंदिर बनाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, और आप हज हाउस बनाओगे मौलानाओं के लिए, और वो जो है इनका अमानतुल्ला पुल्ला जो भी नाम है
वो आदमी वहाँ पर रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाने के लिए सरकारी पैसा बांटता है, 10,000 रुपये देता है रोहिंग्यन, कहता हम रोहिंग्यन मुसलमानों को 10,000 रुपये दे रहे हैं, तंबू लगा रहे हैं, बम्बू लगा रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सब लोग धूर्त हैं साहब, वहाँ धूर्त हैं, और कुछ नहीं कर सकते। सर एक आखिरी सवाल, क्या केजरीवाल के खाने के दांत कुछ और दिखाने कुछ और ये तो समझा जा सकता है? बड़ा स्पष्ट है, केजरीवाल से बड़ा महाटक को है ही नहीं, वो कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।